हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। और आज का जो हमारा पर्टिकुलर सेशन है दैट इज अबाउट द पॉपुलेशन इकोलॉजी लाइव क्विज। सो पॉपुलेशन इकोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इकोलॉजिकल साइंसेस का, इस पर आज एक स्टार्ट करेंगे हम छोटा सा लाइव क्विज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इसमें देखेंगे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और इसी के साथ आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। सो लेट मी सी इज एवरीथिंग वर्किंग फाइन और नॉट, जस्ट वन सेकंड, देन वी विल स्टार्ट द सेशन टुडे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा अबाउट द अनअकैडमी। सो 23 जनवरी से ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है AIMT। तो AIMT में यहाँ पे आपका CSIR UGC नेट के लिए है, ये कल से स्टार्टिंग होगी इसकी। तो 23 ऑफ जनवरी से स्टार्ट है ये और 6 फरवरी तक आपका ये चलेगा। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स होल्डर को डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस यहाँ पे मिलेंगे। लाइक रैंक 1 से 5 अगर आपकी आती है तो यू विल गेट 15,000 अमेजोन वाउचर, 6 से 15 में आपको 10,000 का मिलेगा एंड रैंक 16 से 25 में 5,000 के आपके वाउचर मिलेंगे। तो ये आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे कि आपको ये कवर करेगा एंटायर सिलेबस, इसमें एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम जैसा। आप इसमें गिफ्ट्स वगैरह आपको अमेजोन गिफ्ट वाउचर आपको मिलेंगे अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो। साथ ही साथ आपको अपने जो वीक एरियाज हैं उनका बारे में पता चलेगा ताकि आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। इसके अलावा 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन का लिमिटेड पीरियड ऑफर आया है तो इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू वांट। देन बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के, तो प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के मेथड अवेलेबल होते हैं। दोनों में कॉमन चीज़ें और डिफरेंसेस पाए जाते हैं। डिफरेंसेज में लाइक आइकॉनिक में अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो पर्सनल कोच, पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशन, स्टडी मटेरियल, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें सुविधाएं आपको मिलती हैं। प्लान्स की अगर बात करें तो प्लान्स आप देख सकते हैं 3 मंथ 6 12 24 है। रेफरल कोड है एमसलमान लाइव, जिससे आपको 22% का डिस्काउंट मिलेगा, 22% ऑफ यू विल गेट। एंड फाइनली फीचर की बात करें तो अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फुल लेंथ कोर्स, MCQ, PYQ प्रिपरेशन, न्यू बैच कोर्स एवरी वीक, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली क्विज, फुल मॉक टेस्ट एंड दीज फीचर्स आर अवेलेबल इन द आइकॉनिक। तो आज का सेशन ले लेते हैं हम। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे ऑफ द पॉपुलेशन इकोलॉजी। सो जो भी स्टूडेंट उपस्थित हैं कृपया क्वेश्चन को देखें और आंसर करने की चेष्टा करें और आंसर साथ साथ बताएं। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, ओके, बॉटनी सब्जेक्ट से MSc कर रहे हो आप आशीष, क्या मैं CSIR दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल दे सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। MSc बॉटनी से हो, जुआलॉजी से हो, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस के किसी भी ब्रांच से हो अगर आप MSc में, तो आप CSIR लाइफ साइंसेस के लिए एलिजिबल हो, नो डाउट, तो आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आंसर बताइए, अभी तक आंसर नहीं दिख रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर सी बताया है किसी ने, कर्व सी, ओके। एंड रोहन ने बताया बी ऑप्शन, कर्व बी। एनी अदर बेटर ऑप्शन? ओके, लेट अस डिस्कस द सवाल। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है फ्रेंड्स के इन द फिगर, नीचे आपको एक फिगर दिया गया है और आगे पूछता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वाइवरशिप कर्व इंप्लाइज दैट एन एनिमल मे ले मैनी एक्स ऑफ विच अ रेगुलर नंबर ऑफ डाई ईच ईयर ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल।
कहता है कि यहाँ पे फिगर दिखाया है आपको सर्वाइवरशिप कर्व का, जिसमें ए बी और सी कर्व है, और उसमें साथ में ये जानकारी दी है कि कोई एनिमल है वो अंडे देता है कई सारे, और वो जो एग्स होते हैं जिनमें जो एग आते हैं उनमें नंबर उनके डाई होते हैं एग्स के ऑन अ रेगुलर बेसिस पे डाई होते हैं। मतलब कहने का ये है कि शुरू से लेके अंत तक, यानी शुरुआती टाइम से एंड तक, उनके जो डाई होने का जो पीरियड है, डाई होने का जो रेट है, वो रेगुलर है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, या शुरू में कम था या बाद में ज्यादा था, वो एग्जैक्टली रेगुलर है। क्वेश्चन में उसने ये बोला है। तो सर्वाइवरशिप कर्व के आधार पे अगर आपको मालूम हो, तीन तरह के कर्व बनते हैं। सो इनमें जो सेंट्रल कर्व होता है ये बताता है द सर्वाइवरशिप रेशो या सर्वाइवरशिप रेट एज अ इक्वल ऑन ईच पर्टिकुलर एज। हर एज पे जो डेथ रेट है वो लगभग बराबर है, तो वो कर्व आता है आपका कर्व बी में, ठीक है। बाकी अगर आप कर्व देखेंगे, अगर आपने सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में स्टडी किया होगा, तो सर्वाइवरशिप कर्व में बेसिकली तीन तरह के कर्व पाए जाते हैं। एक होता है हाईली कॉन्वेक्स कर्व, जिसे कहते हैं टाइप वन कर्व। दूसरा होता है टाइप टू कर्व, इट इज द डायगनल कर्व। और थर्ड होता है टाइप थ्री कर्व, दैट इज द हाईली कॉनकेव कर्व। तीन कर्व होते हैं। इनमें से अगर मैं बात करूं टाइप वन कर्व की, तो टाइप वन कर्व कहलाता है आपका हाईली कॉन्वेक्स कर्व। हाईली कॉन्वेक्स कर्व में होता क्या है, जो अर्ली एज होती है उसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम होता है। जैसे आप यह देख सकते हैं, दिस इज द हाईली कॉन्वेक्स कर्व टाइप वन। अगर आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे दी है एज, स्टार्टिंग में जीरो एज, देन वन ईयर, टू ईयर, डॉट डॉट डॉट, हंड्रेड ईयर्स तक मान सकते हो आप। वाई एक्सिस पे दिया है नंबर ऑफ सर्वाइवर। तो जो आपका टाइप वन कर्व होता है उसमें शुरुआती जो टाइम होता है ऑर्गेनिज्म का, उसमें उसकी मौत जो है, उसकी डेथ जो है, उसका रेट कम होता है। आप देख सकते हैं ये जो कर्व है बिल्कुल स्ट्रेट है स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग की एज में, यानी आप मान सकते हैं 60 साल 50 साल अगर आप ह्यूमन का केस ले रहे हैं फॉर एग्जांपल। उसके बाद लेटर एजेस में डेथ होने लगती है। तो ये होता है आपका टाइप वन कर्व, दैट इज अ हाईली कॉन्वेक्स। इसमें आपके एग्जांपल्स में आते हैं मैन, यानी हम लोग ह्यूमंस आते हैं, शीप्स आते हैं, पिग्स, डियर, जनरली जो लार्ज बॉडी एनिमल्स होते हैं वो आपके टाइप वन में फॉल करते हैं, ठीक है जी। तो टाइप वन में अर्ली मोर्टेलिटी जो होती है, अर्ली एज जो होती है मोर्टेलिटी की, वो कम होती है, उसमें मोर्टेलिटी नहीं होती है। तो यहां पे लिखा हुआ है द अर्ली एज मोर्टेलिटी रेट इज लो अप टू द एंड ऑफ द ओल्ड एज और लाइफ स्पैन। यानी ऑर्गेनिज्म जो है अपनी पूरी जिंदगी जी लेता है और बुढ़ापे में लाइफ स्पैन को कंप्लीट करके वो मरता है। अगर सब कुछ ठीक है, उसे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, डिजीज नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये होता है आपका टाइप वन। फिर आता है आपका टाइप टू। टाइप टू में आने से पहले मैं टाइप थ्री को बताना चाहूंगा, ताकि फिर इसको कंपेयर कर सके। टाइप थ्री जो है वो टाइप वन का उल्टा होता है। टाइप थ्री को कहा जाता है हाईली कॉन्वेक्स कर्व, हाईली कॉनकेव कर्व, सॉरी कॉनकेव कर्व, नॉट कॉन्वेक्स, कॉनकेव कर्व। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो अर्ली एज होती है उसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई मॉर्टेलिटी रेट होता है शुरुआती टाइम में, और फिर आगे चल के वो थोड़ा स्टेबल होता है। तो इसका कर्व बिल्कुल कॉनकेव शेप में बनता है आपका। इसमें जनरली ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी बॉडी छोटी होती है, छोटी बॉडी के ऑर्गेनिज्म लाइक कुछ ऑयस्टर्स बर्ड्स आती हैं, कुछ ऑयस्टर्स आते हैं, शेल फिश आते हैं, मोलस्का आते हैं, कुछ ट्री भी आते हैं लाइक ओक ट्रीज, और इंसेक्ट आते हैं मेनली इनके अंदर, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वो सब भी इसमें आते हैं। फिर बचता है आपका डायगनल कर्व। डायगनल कर्व जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, यानी ये बताता है कर्व हमें कि जो डेथ का जो रेट है आपका, जो डेथ रेट है वो कांस्टेंट होता है, यानी वो रेगुलर होता है हर एज पे। तो हर एज पे ऑर्गेनिज्म का जो डेथ रेट होता है वो समवॉट इक्वल होता है। ऐसा नहीं होता कि ऑर्गेनिज्म जब पैदा होता है जब ज्यादा मरता है उसका डेथ रेट ज्यादा होता है,
या ऑर्गेनिज्म जब अपनी लेटर एज में जाता है जब डेथ रेट ज्यादा होता है, इसमें इक्वल होता है डेथ रेट हर एज पे। तो ये होता है डायगनल। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक एनिमल है जो अंडे देता है और उसके जो अंडे हैं उनकी डेथ जो होती है वो रेगुलर बेसिस पर होती है ऑन द लॉगरिथमिक स्केल। तो यहां पे कर्व बी जो है वो रेगुलरिटी को मेंशन करने के लिए दिया गया है। तो सही आंसर हमारा है कर्व बी। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो ये सर्वाइवरशिप कर्व में आते हैं सारी चीजें। और एक और चीज, ये जो कर्व है आपके तीनों के तीनों टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री, ये आपके हाइपोथेटिकल कर्व्स होते हैं। दीज आर हाइपोथेटिकल कर्व, जिसका मतलब है ये कोई रियलिटी को नहीं दर्शाते। रियलिटी में नेचर के अंदर ऐसा नहीं होता कि कोई एक ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ स्पैन में सिर्फ एक ही कर्व दिखाए। जैसे मैं कहता हूं कि कोई ऑर्गेनिज्म है एक्स, वो अपनी पूरी लाइफ स्पैन में टाइप वन कर्व दिखाता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि नेचर के अंदर ऐसा नहीं होता। नेचर में ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने लाइफ स्पैन का कुछ हिस्सा कोई एक पर्टिकुलर कर्व दिखाता है, कोई दूसरा हिस्सा कोई दूसरा पर्टिकुलर कर्व दिखाता है वाइल्ड लाइफ के अंदर। इसका एक एग्जांपल है, एक बर्ड है जिसका नाम है सॉन्ग स्पैरो। इसका साइंटिफिक नेम है मेलोस्पाइजा मेलोडिया। तो मेलोस्पाइजा मेलोडिया एक सॉन्ग स्पैरो नामक एक बर्ड है जो अपने जीवन काल में दो तरह के कर्व दिखाती है। एक दिखाती है टाइप टू कर्व, एक दिखाती है टाइप थ्री कर्व। टाइप थ्री कर्व दिखाती है ये अपने शुरुआती टाइम में, यानी जुवेनाइल स्टेजेस में, जब नया नया जन्म होता है तो जब ये टाइप थ्री कर्व दिखाती है। उसके कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद, ये टाइप टू कर्व दिखाती है एडल्ट स्टेज में। तो एडल्ट स्टेज में टाइप टू कर्व दिखाती है, जुवेनाइल स्टेज में टाइप थ्री कर्व दिखाती है। इसका नाम क्या है? सॉन्ग स्पैरो मेलोस्पाइजा मेलोडिया। एंड ये है वो तीनों कर्व जो एक साथ आपको यहां पे दिखाए गए हैं। दिस इज द टाइप वन कर्व हाईली कॉन्वेक्स, टाइप टू डायगनल, टाइप थ्री हाईली कॉनकेव कर्व। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, सो व्हाट शुड बी द आंसर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ये ऑप्शन नंबर बी बताया है। ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन नीचे लिखे हैं, दीज आर द ऑप्शंस ए बी सी डी, ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शन वन, ओनली वन नो माइग्रेशन, ओनली टू लो माइग्रेशन, ओनली थ्री हाई माइग्रेशन, एंड ओनली टू एंड थ्री। सवाल पढ़ लेता हूं मैं, देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है लुकिंग एट द फिगर, फिगर में देखिए, व्हाट फैक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू स्टेबिलाइजिंग द पॉपुलेशन साइज ओवर टाइम। तो ये कहता है फिगर को देख के, फिगर में आप देख रहे हो कि यहां पे लिखा हुआ है हाई माइग्रेशन, यहां पे लिखा है लो माइग्रेशन, यहां पे लिखा है नो माइग्रेशन, और एक्स एक्सिस पे दिया गया है ईयर्स, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 100 साल तक, और वाई एक्सिस पे दिया है पॉपुलेशन का साइज, यानी 20 इंडिविजुअल, 40 इंडिविजुअल, 60 इंडिविजुअल, 80 इंडिविजुअल। तो आपसे कहता है कि ग्राफ को देख के बताइए इन तीनों में से कौन सा वो फैक्टर है जो पॉपुलेशन को स्टेबल रखे हुए है सबसे ज्यादा, मोस्ट सिग्निफिकेंटली, यानी सिग्निफिकेंटली स्टेबल किया हुआ है।
यानी इन तीनों में आपको वो फैक्टर बताना है जिसमें पॉपुलेशन का साइज चेंज नहीं हो रहा, पॉपुलेशन का साइज स्टेबल है थ्रू आउट द ईयर्स, शुरू से लेकर एंड तक पॉपुलेशन का साइज जो है बराबर है, थोड़ा बहुत कमी आई होगी पर इतनी ज्यादा नहीं आई। तो ऐसा कौन सा वाला है इसमें आपको ये देखना है। अंडरस्टूड द क्वेश्चन? सो बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको तो आप बता पाएंगे। ओके, बी ऑप्शन बताया किसी ने, किसी ने ए बताया है, सी ऑप्शन भी बताया है, सी ऑप्शन वाले भी आ रहे हैं। ओके वेरी गुड। तो आप जैसे देख सकते हैं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, बात करता हूं मैं लो माइग्रेशन की। लो माइग्रेशन में आप क्या देख रहे हो, ये जो कर्व है ये समवेयर अराउंड 45 के आसपास से शुरू होता है, फिर थोड़ा इंक्रीज करता है और फिर कम होने लगता है धीरे 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 करके जैसे जैसे साल बढ़ते हैं। सेम चीज आपकी नो माइग्रेशन के साथ भी होती है, यानी माइग्रेशन जब कम हो रहा है और माइग्रेशन जब नहीं हो रहा, तो पॉपुलेशन का जो साइज है, पॉपुलेशन का जो नंबर है वो कम हो रहा है। चलिए ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम हाई माइग्रेशन के केस को देखें तो यहां पर क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है एक तो, और इंक्रीज होने के साथ सम वॉट रुक गया है एक ही जगह पे, इसमें कोई खास गिरावट नहीं आई है, इसकी जो लाइन थी वो ऊपर ही है, नीचे नहीं गिर रही जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, हाई माइग्रेशन की वजह से स्टेबल हो रही है पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन आपकी रुकी हुई है वहीं पर ही ज्यादा माइग्रेशन होने से। तो आपका सही आंसर होना चाहिए हाई माइग्रेशन, दैट इज ओनली 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ओके, व्हाट शुड बी द आंसर? All right. So let me see. Option number D बताया है maximum लोगों ने अभी तक। Okay, are you sure? Any other better option for this question? All right. चलिए question को read करते हैं। सवाल कहता है विच कर्व बेस्ट रिप्रेजेंट और डिस्क्राइब द सर्वाइवरशिप इन मरीन मोलस्क। मरीन मोलस्क जो है आपके वो किस कर्व में आएंगे अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, ये जो ग्राफ दिया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कर्व ए दिखाया गया है, कर्व ए जो है वो है टाइप वन कर्व, इट इज द टाइप वन कर्व। और अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, यहां पे आपके ऐसे इंडिविजुअल आते हैं जो जिनका अर्ली मॉर्टेलिटी रेट कम होता है और बॉडी बड़ी होती है, लार्ज बॉडीड एनिमल्स अर्ली मॉर्टेलिटी रेट इज लो, के सेलेक्टेड स्पीशीज। तो ये हमारा मोलस्का नहीं है, मोलस्का जो आपके स्मॉल एनिमल्स हैं मरीन समुद्र में रहने वाले, तो ये टाइप वन में नहीं आएंगे। टाइप इसके बाद बी कर्व दिखा है, ये भी कोई सिग्निफिकेंट सर्वाइवरशिप कर्व नहीं है। सी कर्व जो है वो डैंगल कर्व है, ये भी नहीं है आपका, इट इज नॉट द मोलस्का। और डी कर्व भी आपका एक कोई सिग्निफिकेंट कर्व नहीं है, ये भी एक हाइपोथेटिकल कर्व है। अगर आप कर्व ई देखेंगे तो इट इज हाईली कॉनकेव कर्व, और मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी मिनट पहले के जो टाइप
थ्री कर्व है उसमें स्मॉल बॉडीड एनिमल्स आमतौर पे आते हैं जिसमें मोलस्का भी आपके शामिल है. सो मोलस्का आपके फॉल करेंगे किसमें, टाइप थ्री में, दैट इज द ई कर्व ई, और आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर. तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है और काफी आसान क्वेश्चन है, ऐसा पार्ट बी में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में. पार्ट बी में इस तरह के सवाल आते हैं सीएसआईआर में और दूसरे एग्जाम्स में भी. ओके सो विच कर्व बेस्ट डिस्क्राइब सर्वाइवरशिप इन एलिफेंट्स. एलिफेंट्स एज आई सेड लार्ज बॉडीड एनिमल्स, के सेलेक्टेड एनिमल्स सारे आते हैं टाइप वन कर्व में, हाईली कॉन्वेक्स कर्व के अंदर. सो इट इज एविडेंट ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन है. तो एलिफेंट्स आपके फॉल करते हैं टाइप वन में और टाइप वन कर्व इसमें है कर्व नंबर ए. तो ए कर्व जो है वो टाइप वन का है, दैट इज एलिफेंट का. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन. तो जैसे आप देख सकते हैं तीनों कर्व मैंने दिखाए, टाइप वन जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, टाइप टू में बर्ड्स वगैरह आते हैं, कुछ बर्ड्स नॉट ऑल बर्ड्स, और टाइप थ्री में जनरली स्मॉल बॉडीड आर सेलेक्टेड स्पीशीज फॉल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए. एन इकोलॉजिस्ट रिकॉर्डेड 12 व्हाइट टेल डियर ओडोकोइलियस वर्जिनियनस पर स्क्वायर किलोमीटर इन वन वुड लॉट एंड 20 स्क्वायर किलोमीटर इन अनदर वुड लॉट. What was the ecologist comparing? तो ecologist किस चीज की बात कर रहा है इसमें आपको यह बताना है. Range की बात कर रहा है, carrying capacity बताता है, dispersion बता रहा है या density बता रहा है. आसान question है, बहुत कुछ नहीं है इसके अंदर. Population ecology अगर आपने थोड़ी भी पढ़ी है तो फिर भी आपका आप इसका answer बहुत आराम से कर देंगे. ओके ऑप्शन नंबर वन बताया जा रहा है मैक्सिमम लोगों के द्वारा. ऑल राइट तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक इकोलॉजिस्ट है जिसने 12 व्हाइट टेल डियर के ऊपर काम किया है और ये बताता है कि इसने ये पाया है कि 12 ये डियर हैं आपके पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में वुडलॉट में और 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में भी किसी दूसरे वुडलॉट में. ठीक है तो ये जो है आपका नंबर ऑफ इंडिविजुअल या नंबर ऑफ एनिमल्स या नंबर ऑफ ड्रोसोफिला पर स्क्वायर किलोमीटर पर आपका ये कह सकते हैं पर क्यूबिक मीटर ये जो भी आपके पर एरिया पर आते हैं ये डेंसिटी को दर्शाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आप उसे पर स्क्वायर किलोमीटर माने या मीटर स्क्वायर माने ओनली उसमें कितने इंडिविजुअल फॉल करते हैं उसे डेंसिटी बोला जाता है. तो ये बेसिकली डेंसिटी की बात कर रहा है. तो सही आंसर आपका है डेंसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए. ऑलराइट ओके बताइए आंसर. ऑप्शन नंबर सी बताया शुभम ने, एक आंसर आया ऑप्शन नंबर सी का. एनी अदर बेटर ऑप्शन? रोहन ने सी बताया है, स्मृति ने भी सी ही बताया है.
All right. ओके ऑप्शन नंबर डी भी आया हमारे पास. ठीक है क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. सवाल कहता है यूनिफॉर्म स्पेसिंग पैटर्न्स इन द प्लांट सच एज क्रियोसोट बुश. तो क्रियोसोट बुश नाम का कोई प्लांट है उसमें देखा गया है देयर इज ए यूनिफॉर्म स्पेसिंग यानी समान दूरी है लगभग समान दूरी में यह फैला हुआ है आपका. इस तरह से मान लीजिए आप इसका डिस्पर्जन जो है यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म दूरी है सब में. लेट अस से एक्स एक्स नाम की दूरी है एक्स एक्स कर सकते हैं आप इस तरह से एक्स 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 किलोमीटर या एक्स मीटर जो भी आप कहना चाहें. आगे कहता है इट इज मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद व्हाट. तो ये ऐसे क्यों है अलग अलग. पहला ऑप्शन है पैटर्न्स ऑफ हाई ह्यूमिडिटी. ये आंसर नहीं है दिस इज नॉट द केस. रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स ये रैंडमली नहीं है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये गलत हो गया. ऑप्शन नंबर थ्री कहता है कंपेटिटिव इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर द सेम पॉपुलेशन. और ऑप्शन नंबर फोर कहता है कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रिएंट विद इन अ पॉपुलेशन रेंज. तो न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन किसी एक जगह पर बहुत ज्यादा है तो उसके लिए बराबर स्पेसिंग नहीं होगी ये गलत है. एक्चुअली में जो यूनिफॉर्म स्पेसिंग होती है वो एक तरह के कॉम्पिटिशन की वजह से भी होती है. कॉम्पिटिशन फॉर द न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स के लिए कॉम्पिटिशन हो रहा है अगर या फॉर एग्जाम्पल देर इज अ इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ वन स्पीशीज ऑफ वन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज टू द अनदर इंडिविजुअल. तो कभी कभी ये इनहिबिटरी इफेक्ट की वजह से भी होता है कभी कभी ये किसी न्यूट्रिएंट को पाने के लिए भी किया जाता है. जैसे सनलाइट को पाना चाहते हैं प्लांट्स तो एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं वो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को ले पाए एक साथ भीड़ लगा के. ऐसा ना हो कि किसी को कम मिल रही है किसी को ज्यादा मिल रही है और एक दूसरे को इनहिबिट भी करते हैं. जैसे आपने वर्ड सुना होगा एलीलोपैथी. ठीक है एलीलो केमिकल्स एलीलोपैथिक इफेक्ट तो उसमें भी यही होता है. तो सही आंसर आपका होगा कॉम्पिटिशन ऑप्शन नंबर सी. सो यू कैन सी हियर दीज आर द क्रियोसोट बुश. क्रियोसोट बुशेस है ये झाड़ियां टाइप और यूनिफॉर्मली एक दूसरे से दूर दूर है ड्यू टू द कंपेटिटिव डिस्ट्रीब्यूशन अमंग देम. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए. ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर कर पाएंगे इसका. इकोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर द सीएसआईआर. हर साल पार्ट सी के अंदर मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आपको मिलते ही मिलते हैं तो किसी भी हाल में इकोलॉजी को छोड़ना नहीं है दोस्तों. चाहे आप कोई भी एग्जाम दें सीएसआईआर का जून का दें दिसंबर का दें. और क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं सीएसआईआर में इकोलॉजी के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं करने लायक होते हैं. ओके ऑप्शन नंबर 1 बताया शुभम ने. ठीक है एनी अदर बेटर ऑप्शन. सॉरी ऑप्शन नंबर सी आया है अभी तक. सी भी आया है ए भी आया है ए और सी दोनों आए हैं. ठीक है बी ऑप्शन भी आया है. ऑलराइट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड बी मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है समवॉट यूनिफॉर्म स्पेसिंग जैसे यूनिफॉर्मली इस तरह से फैले हुए हैं यूनिफॉर्म है चारों तरफ फैले हुए हैं. ऐसा नहीं है किसी एक जगह जमा हो गए हैं ना ही ग्रुप बनाया हुआ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे एरिया में. तो बताने इन चारों में से वो कौन सा है जो इसे बताता है. ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है. ऑप्शन नंबर 4 पढ़ते हैं लेक ट्राउट विच सीक आउट कोल्ड कुड
सीक आउट कोल्ड डी वॉटर हाई इन डिजोल्व ऑक्सीजन. तो लेक ट्राउट होते हैं जो वो सीक आउट करते हैं ठंड को और वो डिजोल्व कर जाते हैं डीपली, ठीक है, इन डिजोल्व ऑक्सीजन. तो ये किसी एक जगह पे जा रहे हैं तो ये यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकते, किसी एक ही जगह पर ये जा रहे हैं किसी वजह से, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी कहता है डॉर्फ मिसलेटोस, ठीक है, डॉर्फ मिसलेटोस जो कि पैरासिटाइज करते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को ऑफ अ फॉरेस्ट ट्री. तो यहां पे तो पैरासिटिज्म का केस आ रहा है, तो पैरासिटिज्म के केस से आप यूनिफॉर्म डिस्पर्जन नहीं बता पाएंगे ठीक से. यहां पे सिंपली ये किसी को पैरासिटाइज कर रहा है किसी स्पीशीज को ऑफ फॉरेस्ट ट्री, तो उसमें तो जरूरी नहीं है आपका यूनिफॉर्मली ही कर रहा हो, हो सकता है कुछ इंडिविजुअल को कर रहा हो कुछ को ना कर रहा हो. और ऑप्शन नंबर बी कहता है कैटेल्स विच ग्रो प्राइमरीली एट द एजेस ऑफ द लेक्स एंड द स्ट्रीम्स. तो कोई कैटल्स नाम के ऑर्गेनिज्म है जो लेक्स के किनारों पे रहते हैं एजेस पे, तो लेक्स के एजेस पे रहना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, वो तो किसी एक जगह क्लंपिंग कर रहे हैं जमा हो रहे हैं कहीं पर, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा. ऑप्शन नंबर ए कहता है रेड स्क्विरल्स हैं जो एक्टिवली डिफेंड करते हैं अपनी टेरिटरी को. सो स्क्विरल जो होती हैं आपकी रेड स्क्विरल्स वो रियलिटी में इसी तरह से रहती हैं, वो जिस एरिया में रहती हैं वहां पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं और अपने अपने एरिया को डिफेंड करती हैं टेरिटरी को अपने अपने इलाके को, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहता है. तो यहां पे आंसर हमारा ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं. ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके, सो मेजॉरिटी ने ऑप्शन नंबर बी और ए बताया है. बी और ए की तरफ थोड़ा सा इशारा हो रहा है ज्यादा बच्चों का. ओके, ऑल राइट, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं. सवाल आपका कहता है Which of the following examples are plausible explanation for a population that would produce curve A in the figure? तो ये आपसे सवाल कह रहा है जो आपको फिगर दी गई है और इसमें जो कर्व ए है, दिस इज द कर्व ए, इसके बारे में सबसे सही एक्सप्लेनेशन इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी होगी. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर या स्टेटमेंट नंबर वन पढ़ता हूं मैं. स्टेटमेंट नंबर वन कहती है ongoing predation of rabbits throughout their lives. Rabbit का शिकार हो रहा है उनके पूरे जीवन काल में throughout the lives, यानी पैदा होने से लेके मरने तक, life span को complete होने तक उनका predation ongoing है. यानी देखा जाए तो उनके मरने के chances बराबर हैं पैदा होने से बुढ़ापे तक. और ऐसा आपको देखने को मिलता है type 2 curve में, तो diagonal curve में ऐसा देखने को मिलता है. तो पहला statement तो नहीं होगा. स्टेटमेंट नंबर थर्ड पढ़ लेता हूं मैं. थर्ड, हाई सीडलिंग मॉर्टेलिटी इन फ्लावर्स. हाई मॉर्टेलिटी इन फ्लावर्स, हाई मॉर्टेलिटी जनरली टाइप थ्री कर्व में होती है. अर्ली मॉर्टेलिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, तो ये आपका टाइप थ्री का है तो ये गलत है. और सेकंड स्टेटमेंट कहती है ससेप्टेबिलिटी ऑफ ओल्डर ह्यूमंस टू हार्ट डिजीज. देखिए यहां पर दो चीजें हैं. पॉइंट नंबर वन, एक तो टाइप वन कर्व में ह्यूमंस आते हैं, एग्जाम्पल ह्यूमंस हैं. दूसरा स्टेटमेंट में कहता है कि ओल्डर ह्यूमंस यानी लेटर एजेस में जब सीनियर सिटीजन्स बनते हैं तो ससेप्टेबल हो जाते हैं वो हार्ट डिजीज से, मायोकार्डियल प्रॉब्लम्स आ जाती है उनको जिससे डेथ भी होने के चांसेस होते हैं. तो वो लेटर एजेस में हो रहा है.
और टाइप वन कर्व भी इसी बात को बताता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना पूरा जीवन काल आराम से जीता है और लेटर एजेस में उसकी डेथ होती है। तो इस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट सही होगा हमारा और आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज बी ओनली। ऑलराइट, बी ओनली विल बी द करेक्ट चॉइस। सो एज आई शोन, टाइप वन कर्व हाईली कॉन्वेक्स कर्व होते हैं जिसमें सर्वाइवरशिप थ्रू आउट द लाइफ रहता है अंटिल द ओल्डर एज। देन टाइप टू कर्व आता है जिसमें कॉन्स्टेंट डेथ होती है हर एज पर, और टाइप थ्री कर्व आता है जिसमें अर्ली टाइम में ज्यादा मॉर्टेलिटी होती है और मैच्योरिटी में आपकी स्टेबल होने लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, काफी आसान सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों। बताइए आंसर इसका। आई होप आपको क्विज अच्छा लग रहा है, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सभी लोग। सवाल क्या कह रहा है, सवाल देख लेते हैं। सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इलस्ट्रेट्स द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व स्टार्टिंग विद अ सिंगल बैक्टीरियम ग्रोइंग इन अ फ्लास्क ऑफ आइडियल मीडियम एट अ ऑप्टिमम टेम्परेचर ओवर अ 2 आवर पीरियड। ठीक है, आगे बोल देता है एज्यूम रिसोर्सेज डू नॉट बिकम लिमिटिंग ओवर दिस टाइम फ्रेम। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कहता है कि बैक्टीरिया का एक सिंगल सेल बैक्टीरिया है जिसको आप ऐसी कंडीशन में ग्रो कर रहे हो जिसमें सब कुछ आइडियल है, यानी आइडियल का मतलब हो गया सब कुछ परफेक्ट है, खाना पीना परफेक्ट मिल रहा है, टाइम परफेक्ट मिल रहा है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई पैरासिटिज्म नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तो ऑर्गेनिज्म कौन सा कर्व दिखाएगा। तो जब ऐसा होता है कि जब ऑर्गेनिज्म अपने आइडियल कंडीशन में रहता है, उसे हर चीज बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, जब भी कमी नहीं होती, तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल पे ग्रो करता है जितना ज्यादा हो सके, और इसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थ्रू आउट। ठीक है, सो ये आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर थ्री में। ये जे शेप ग्रोथ दिखाएगा जिसमें ये ऊपर चढ़ता ही चला जाएगा, चढ़ता ही चला जाएगा और चढ़ता ही चला जाएगा। तो सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अ पॉपुलेशन ऑलवेज डैश। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में पॉपुलेशन हमेशा इनमें से चारों में से क्या करती है। ओके, सो ऑप्शन पढ़ता हूं मैं, ऑप्शन नंबर चार पढ़ता हूं मैं। वो लूज करती है कुछ इंडिविजुअल्स को टू एमिग्रेशन। ये स्टेटमेंट गलत है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ये पूछता है हमेशा क्या होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था आपको, एड मोर न्यू इंडिविजुअल्स व्हेन द पॉपुलेशन इज स्मॉल देन व्हेन इट इज लार्ज।
ये स्टेटमेंट गलत है. स्टेटमेंट नंबर सेकंड, क्विकली रीचेस इट्स कैरिंग कैपेसिटी. क्विकली रीच नहीं करेगी, टाइम तो लगेगा उसमें, ऐसा जरूरी नहीं है. ऑप्शन नंबर ए कहता है ग्रो करती है मैक्सिमम पर कैपिटा रेट, यानी पर कैपिटा मींस पर हेड, एक इंडिविजुअल यानी एक पेयर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो अपना बायोटिक पोटेंशियल दिखाता है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में दिखाता है. तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर वन. सो फाइनल क्वेश्चन पे आ गए आज के, टुडेज लास्ट क्वेश्चन. आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. इसका सेकंड पार्ट आएगा टुमारो, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग सेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं. ओके, नो आंसर. ऑप्शन नंबर फोर बताया निधि ने, बी बताया है मयूरी ने, ममता ने बी बताया है. ठीक है, यानी आपका कहना है लॉजिस्टिक ग्रोथ दिखाएगा ये एस शेप ग्रोथ. एनी अदर बेटर ऑप्शन? एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन को ठीक से दोबारा पढ़िए दोस्तों. ओके, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं आपके लिए. सवाल क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा दोस्तों. सवाल कहता है कि इमेजिन करिए, इमेजिन दैट यू आर मैनेजिंग अ लार्ज गेम रेंच. तो गेम रेंच का मतलब हो गया किसी तरह का फार्म है, किसी तरह का आपका खेत है, फार्म खेत जहां पे आप कुछ काम कर रहे हो. यू नो फ्रॉम हिस्टोरिकल अकाउंट, आप इतिहास के पर्सपेक्टिव से ये जानते हो कि कोई स्पीशीज है डियर की, डियर की कोई स्पीशीज है वो वहां पे रहा करती थी. यानी आपने हिस्टोरिकली ये जान लिया है कि किसी गेम रेंच पे, किसी पर्टिकुलर जंगल में या खेत में एक किसी खास तरह का डियर रहा करता था कभी, बट दे हैव बीन एक्सटिर्पेटेड, अब वो वहां से विलुप्त हो चुका है, खत्म हो गया है, चला गया है वहां, अब नहीं रहता. ठीक है, आफ्टर डूइंग सम रिसर्च, कुछ अनुसंधान करने के बाद, टू डिटरमाइन व्हाट माइट बी एन एप्रोप्रिएटली साइज फाउंडिंग पॉपुलेशन. तो कुछ रिसर्च करने के बाद आपने डिटरमाइन किया है कि क्या अप्रोक्सीमेट अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन होनी चाहिए, आपने उन्हें दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दिया. तो कहीं और से डियर को लाए, दोबारा से आपने उसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया, ये पता करके कि कितनी पॉपुलेशन एप्रोप्रिएटली साइज की वहां होगी या होनी चाहिए, पहले थी. यू देन वॉच द पॉपुलेशन इंक्रीज फॉर सेवरल जनरेशन. फिर आप स्टडी कर रहे हो और हर जनरेशन में देख रहे हो कि कैसे पॉपुलेशन का साइज बढ़ता जा रहा है, डियर्स बढ़ते जा रहे हैं. एंड द ग्राफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल वर्टिकल एक्सिस अगेंस्ट द नंबर ऑफ जनरेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो आपने उसे ग्राफिक ग्राफ की शेप दे दी जिसमें आपने अलग अलग एक्सिस पे उनको रख दिया, नंबर ऑफ जनरेशन रख दिया एक्स एक्सिस पे, वाई पे रख दिया नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, ये करा आपने.
अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो बाद में बोलता है, इंपॉर्टेंट बात है अब बोलता है। क्या बोलता है? विद नो नेचुरल प्रीडेटर्स, कोई प्राकृतिक प्रीडेटर नहीं है इंपैक्टिंग द पॉपुलेशन, द ग्राफ विल लाइकली अपीयर एस। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो पॉपुलेशन के बारे में, दो तरह के कर्व आते हैं। एक आता है आपका एक्सपोनेंशियल कर्व यानी जे शेप कर्व, और एक आता है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व यानी एस शेप सिग्मोइडल कर्व। जो आपका जे शेप कर्व होता है वो कब होता है? जे शेप कर्व आपके होने के रीजन है कि आइडियल कंडीशन होगी, खाना वगैरह अनलिमिटेड होगा, किसी भी तरह का कोई प्रीडेटर नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन। जब इंडिविजुअल को फ्री हैंड दे दिया जाए, कोई प्रीडेटर ना हो, कोई कॉम्पिटिशन ना हो, फूड पर्याप्त मात्रा में हो, स्पेस पर्याप्त मात्रा में हो, तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। क्वेश्चन में दिया है विद नो नेचुरल प्रीडेटर, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि उसे आइडियल कंडीशन दी है, क्योंकि नेचुरल कंडीशन में तो प्रीडेटर होते ही होते हैं, वाइल्ड टाइप कंडीशन में कंपटीशन, प्रीडेटर, पैरासिटिज्म सब कुछ होता है। ठीक है, वाइल्ड टाइप में ऐसा नहीं होता कि आपको हमेशा एक एब्सोल्यूट कंडीशन मिल जाए, बहुत रेयर होता है, कहीं होता हुआ अगर होगा तो, अदरवाइज ऐसा जनरली नहीं होता। सो ये आपका दिखाएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी जे शेप। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अ जे इंक्रीजिंग विद ईच जनरेशन। छोटा सा लैग फेज तो हमेशा आता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा वो, क्योंकि कोई प्रीडेटर नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है उसे। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन नहीं होगा फॉर रिसोर्सेज। मयूरी देखिए, क्वेश्चन के अंदर उसने कहीं पर नहीं बोला है कि रिसोर्सेज कैसी हैं। क्वेश्चन में उसने ना ये कहा है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ना ये बोला है अनलिमिटेड है, बस उसने प्रीडेटर के बारे में बोला है। तो एटलीस्ट उसने कोई एक बात तो ऐसी बोली है जो आपकी जे शेप कर्व की है, तो उस एक बात से आप उसे एस शेप कैसे कह सकते हो? एस शेप कर्व तो रियलिस्टिक कर्व होता है, और रियल कंडीशन में प्रीडेटर होते हैं, तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी कर जाएगा। अगर आप एक तरफ ये माने कि प्रीडेटर नहीं है, दूसरी तरफ ये माने कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो आपस में एक तरह से इंबैलेंस हो जाएगा। बट क्वेश्चन के अंदर शुभम नहीं बोला है कहीं पर, क्वेश्चन ने नहीं कहा है कि लिमिटिंग फैक्टर्स है कहीं पर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर फैक्टर्स लिमिटेड है कहीं पर ऐसी कोई बात नहीं कही है। उसने कहा है विद नो नेचुरल प्रीडेटर इंपैक्टिंग द पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसने एक पॉइंट बोला है बस, जो आपका एक्सपोनेंशियल वाला है, कोई यहां पे प्रीडेटर नहीं है। ठीक है ना, बाकी लिमिटिंग फैक्टर की तो बात ही करी, बात ही नहीं करी इसने, कहीं पर भी नहीं करी। ठीक है जी, ऑलराइट। सो ये हमारा आज का आखिरी सवाल था, और आई होप आपको क्विज अच्छा लगा होगा। अब हम आपको मिलेंगे अगले सेशन में, इसका पार्ट सेकंड लेकर आएंगे जब, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बाय।